कड़वाहट करेले का दुर्गुण नहीं है अपितु स्वभाव है। दुर्गंध विष्टा का दुर्गुण नहीं है अपितु स्वभाव है। उष्णता आग का दुर्गुण नहीं है अपितु स्वभाव है। बस उसी प्रकार से अतृप्ति मन का दुर्गुण नहीं है, वो क्या है स्वभाव है। अतृप्ति ऐसी है, ये मन का स्वभाव है, ये कभी तृप्त ना हुआ है और ना कभी होने वाला है, तीन काल में निश्चित ये मान के चलना। और वो अतृप्ति वैसे तो हो सकती है लेकिन दो क्षेत्रों में जो है वो तृप्ति नहीं होती है, बाकी तो हो सकती है लेकिन दो क्षेत्रों में जो है वो तृप्ति नहीं होती। एक होता है धन, एक होता है धन, धन में कभी तृप्ति नहीं होती है। और एक होती है वासना, जहां पर तृप्ति का कोई नाम ही नहीं है। मतलब अर्थ के क्षेत्र में लोभ और काम के क्षेत्र में वासना, ये दो तत्व ऐसे हैं जो कितना भी प्राप्त हो जाए उसके बाद भी, कितना भी उपयोग हो जाए, कितना भी उपभोग हो जाए, फिर भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता है। अब जब तृप्ति का अनुभव नहीं होता है, फिर भी अगर आपने नीति और के द्वारा अर्थ को कमा भी लिया और सदाचार के द्वारा अपने जीवन को अब काम से नियंत्रित कर लिया, तो निश्चित ये मान के चलना उस अतृप्ति को भी आप तृप्ति में बदल सकते हो। लाभ और वासना, लाभ और वासना का शरीर इतना बड़ा है कि विश्व भर के वस्त्रों से भी अगर आपने ढक दिया तो ना लोभ शांत होने वाली है और ना वासना शांत होने वाली है। हम अगर दास हैं तो लोभ के दास हैं और वासना के दास हैं, क्योंकि शरीर भी जब मजबूत हो और क्या शरीर भी मजबूत है, लेकिन अगर मन कमजोर हो तो ध्यान रखना कितना भी कुछ कर लो ये वासना से जो है पीड़ित हो ही जाता है, वो लोभग्रस्त और वासनाग्रस्त मन दोषों का घर हो ही जाता है। जैसे कहते ना सांप मदारी के वश में होता है तो खतरनाक नहीं होता है, और हाथी अगर महावत के वश में होता है तो खतरनाक नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना अगर ये जो मन है, इस मन को अगर आपने अपने वश में नहीं किया तो निश्चित रूप से मान के चलना इस संसार के रण युद्ध में आप हमेशा इस लोभ और वासना में हमेशा हारते ही चले जाओगे। ये लोभ और वासना बहुत बड़े शत्रु है हमारे। एक आश्रम में एक भक्त पहुंचा आपके जैसा, और भक्त पहुंचा और उस भक्त ने बड़ी अच्छी बात बोली। क्या बोला? बोले भगवान मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। बोले भगवान मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, परमात्मा क्या करूँ मिलते ही नहीं है, बहुत प्रयास कर लिया उसके बाद भी परमात्मा नहीं मिले। गुरु बड़े वैरागी थे, गुरु बड़े स्वाध्यायशील थे, गुरु बड़े ही आगे की स्थिति परिस्थिति को जानने वाले थे। उन्होंने कहा वो जो चोटी दिख रही है ऊपर चोटी, बोले हाँ वो दिख रही है। बहुत ध्यान से सुनना, बोले वो चोटी दिख रही है, बोले हाँ दिख रही है। ये नीचे पत्थर दिख रहे हैं, बोले हाँ दिख रहे हैं, ये तो बहुत सारे हैं। बोले छह गिन लो। कितने गिन लो? छह। इन छह पत्थरों को लेकर ऊपर चढ़ना है। इन छह पत्थरों को, कैसी बात करी गुरु महाराज, ये छह इतने बड़े बड़े पत्थर। बोले अब आपको परमात्मा के दर्शन करना है ना, गारंटी के साथ दर्शन होंगे, पर छह पत्थर को लेके ऊपर चढ़ना होगा। अब उसने प्रयास किया, इतने बड़े बड़े पत्थर, अब कहाँ तक जाता, थोड़ी बहुत दूर गया एक को उतार दिया, फिर थोड़ी बहुत दूर ऊपर चढ़ा दूसरे को भी उतार दिया, फिर थोड़ी बहुत दूर गया तीसरे पत्थर को भी उतार दिया, फिर थोड़ा ऊपर गया बोले अब नहीं समझ में आ रहा है, अब चढ़ते नहीं बन रहा, चौथे को भी उतार दिया, फिर बोले हो तो हो नहीं हो तो नहीं हो, फिर पाँचों को भी उतार दिया। अंत अंत में जब आखिरी में रहा और जब नहीं चढ़ते बना तो उसने क्या किया, छो पत्थर को उतार दिया। उतारने के बाद वो ऊपर चोटी पर पहुंचा, और चोटी पर पहुंचने के बाद क्यों भैया छह पत्थर लाने की बात थी ना, नहीं ला पाया छह पत्थर में, ऊपर तक मैं नहीं चढ़ा पाया और ऊपर नहीं चढ़ पाया, छह पत्थरों को छोड़ना पड़ा तभी ऊपर चढ़ पाया हूँ, बिना इन पत्थरों के मैं ऊपर नहीं चढ़ पाता, कितने ही प्रयास कर लिया लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए एक एक करके मुझे पत्थरों को छोड़ना पड़ा, तब कहीं जाकर ऊपर मैं चढ़ पाया हूँ। तो इससे तात्पर्य क्या निकल रहा है, ये कहानी, ये बात, ये दृष्टांत आपको ये सिखा रहा है कि आपके सबके पास छह पत्थर रखे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है
जिसके जेब में छह पत्थर नहीं हो। हर एक के पास छह पत्थर हैं, बस उन छह पत्थरों को जब तक आप एक एक करके उतारोगे नहीं तब तक आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। इन छह पत्थरों को उतार दो। सबसे पहला पत्थर क्या है? स्पर्शन इंद्रिय। दूसरा पत्थर क्या है? रसना इंद्रिय। फिर तीसरा पत्थर क्या है? घ्राण इंद्रिय। फिर चौथा पत्थर क्या है? चक्षु इंद्रिय। पांचवा पत्थर क्या है? कर्ण इंद्रिय। और छठवा पत्थर क्या है? मन। इन छह पत्थरों को उतारोगे तभी ऊपर चढ़ पाओगे, नहीं तो तीन काल में ना चढ़े हो और ना चढ़ पाओगे। ये निश्चित मान के चलना, इन छह पत्थरों के सहारे आप अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना सकते हो। एक और बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि चार बातें हैं और आप लोग भी जानते हैं, बचपन से पढ़ी होगी, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, है ना? क्या है ये? ये चार बातें। इनमें अगर सब संज्ञाएं, इनमें चारों में राजा कौन? तो कहते हैं मैथुन जो है इसमें राजा है। बहुत अच्छी बात। दूसरा बोले इंद्रियां हैं स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और बोलो ना कर्ण। इनमें कौन है बोले राजा? तो बोले इसमें इसमें कौन है? बोले चक्षु को कवर कर लिया तो सब हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बोले क्रोध, मान, माया और लोभ, इनमें सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? बोले लोभ। लोभ छूटेगा नहीं। क्रोध तो एक बार व्यक्ति कम करता है और क्रोध से डर लगता है। क्रोध को मालूम है कि मैं क्रोध करूंगा तो संबंध खराब हो जाएंगे, हर जगह क्रोध नहीं करता है। लेकिन लोभ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लोभ नहीं छूटता है, तो लोभ मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या है? अब अगर ये माने तो हम माने दान, शील, तप और भाव। इनमें शिरमौर कौन है जो ऊंचाइयों तक ले जाएगा? ध्यान रखना, दान नहीं, शील नहीं, तप नहीं, तो फिर भाव। अरे जब तक भाव अच्छे नहीं होंगे तो शील क्या पाल पाओगे, क्या तप कर पाओगे, क्या दान कर पाओगे? तो आपके भाव उत्कृष्ट होना चाहिए। जो चौथा भाव धर्म मानना चाहिए। ये भाव धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब बोले क्या पांच पाप हैं? उन पांच पापों को भी ले लो आप। सबसे पहला है कौन सा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये पांच अव्रत कहलाते हैं। इन पांच अव्रतों में भी अगर आप लोगे तो सबसे अगर महत्वपूर्ण अव्रत है तो मैं ये मानता हूं वो अव्रत हैगा कौन सा? अब्रह्म का सेवन करना। आप सब पर विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो अब्रह्म है मतलब ब्रह्मचर्य से नहीं रहना, इस पर आप नियंत्रित नहीं रह सकते हो। आखिर क्या कारण है कि हम सबको कब्जे में कर सकते हैं पांच पापों में, लेकिन एक ऐसा ये अब्रह्म है जिसे हम ब्रह्मचर्य कह सकते हैं, इस ब्रह्मचर्य के साथ आप जीवन में नहीं सकते। तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। चिंतन है और चिंतन अगर अच्छा है तो आप उस पर विचार करना कि संसार परिभ्रमण आप करते आए और अनंत काल से आप संसार में भटक रहे हैं, भूतकाल में भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी आप भटक रहे हो। अब इस भटकन में आपके पास अगर सबसे ज्यादा साथ देने वाली इन पांचों या छह इंद्रियों में कौन है जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी? स्पर्शन इंद्रिय। एक इंद्री के साथ तो आपको जीवन जीना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। आप क्या होगा? आप दो इंद्री बने, तीन इंद्री बने, चार इंद्री बने, लेकिन बेस क्या है? एक इंद्री, स्पर्श इंद्री के साथ। ये मेरा चिंतन है, आपके बीच में रख रहा हूं। ये जो स्पर्श इंद्री है थी, है, रहेगी। जब तक आप संसार में हो तब तक ये इंद्री आपके साथ रहेगी। चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, घ्राण इंद्री अथवा रसना इंद्री, इन चारों में कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। तो बताइए जो आपके साथ ये जो स्पर्श इंद्री है वो प्रत्येक गति में और प्रत्येक भाव में आपके साथ हैं और आपके साथ रहेगी। और ये जो ब्रह्मचर्य है, ये जो मैथुन का सुख है, वो क्या है? स्पर्शन इंद्री जनित है। ये स्पर्शन इंद्री जनित है, इसीलिए जो बहुत समय से हमारे साथ लगी हुई स्पर्शन इंद्री है उससे विजय प्राप्त कर पाना, उससे नियंत्रण कर पाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। निश्चित मान के चलना ये बहुत बड़ा कार्य होता है। और दूसरा कारण ये कि शरीर में रसना इंद्री, घ्राण इंद्री या चक्षु इंद्री या कर्ण इंद्री, इनका निस्थान नियत है। चक्षु कहाँ पर? यहाँ पर। कर्ण कहाँ पर? यहाँ पर।
रसना कहां पर? यहां पर। घ्राण कहां पर? यहां पर। लेकिन ये जो स्पर्श इंद्रिय है ये कहां पर है बताओ? किस स्थान पर है? अब हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, और जब भी रहती है तो पूरे शरीर में रहती हैगी। जब पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में ये आपकी स्पर्शन इंद्री व्याप्त है, और वो स्पर्शन इंद्री ही अब्रह्म कराती है, मैथुन कराती है। इंद्रियों का सुख, उसका आकर्षण वो स्पर्शन इंद्रिय है। अगर इस सुख का आकर्षण करना है, क्योंकि आयु की अंत अवस्था तक इस पर विश्वास नहीं करना, बिल्कुल ध्यान रखना, अर्थात युवा अवस्था में भी सुख का आकर्षण होता है, ऐसा नहीं, प्रौढ़ अवस्था में भी, वृद्ध अवस्था में भी ये बनी रहती है। इस सुख का आकर्षण अगर आपको वास्तविकता में आपको कम करना है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक कि एक आचार्य श्री कहते हैं ये मत मानना इस सुख का आकर्षण परम विद्वान हो उसको, या नहीं, विद्वान विद्वान को भी वो बिगाड़ देता है और अनपढ़ को भी वो बिगाड़ देता है। इस सुख का ऐसा आसन होता है, इस सुख का आकर्षण तपस्वी को भी समाप्त कर देता है। अच्छे अच्छे तपस्वी भी इस सुख के आकर्षण में बिल्कुल क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। मिठाई और नमकीन प्रशंसक व्यक्ति को सुख का गुलाम बना देती है, पर घोर तपस्वी जो होता है वो तपस्वी भी इस प्रकार से वो जो है आकुलित और व्याकुलित हो जाता है। तो अंत्यंत धर्मात्मा धर्मात्मा को भी नहीं छोड़ता, और धर्मात्मा भी अपने आप को इस वासना के वशीभूत होकर अपने आप को नीचे गिरा लेता है, और वो मन से वचन से सबसे वो ऐता है। कहते थे आचार्य श्री जी, वो घासलेट है, उस घासलेट को आप भले 10 साल फ्रिज में रख दो भैया और बाहर निकाल दो, घासलेट केरोसिन, और उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा उसमें आग लगाओगे तो वो आग पैदा कर देगी। बस इसी प्रकार से ये वासना है, अगर इस वासना से आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो बहुत अपनी आप को संयमित रखने की आवश्यकता है, और संयम अगर रखना चाहते हो, अपने मन को स्थिर रखना चाहते हो, और अगर आकर्षण से बचना नहीं चाहते हो, तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उन चीज़ों से बच लो। अगर उन चीज़ों से आप बचते चले गए तो हो सकता है वो आकर्षण आपका विकर्षण में बदल जाए। सबसे पहला, अगर आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखना चाहते हो और चाहते हो कि मैं वासना से परिपूर्ण ना हूं, तो पहली बात, एकांत से बचो। क्या बोल रहा हूं? एकांत से बचो। कमजोरी के बारे में आपको बता रहा हूं कि वो कैसी कमजोरी होगी। वो एकांत जैसे ही मिल जाता है, एकांत मिलते ही और एकांत के होते ही वो अपने आप को खो देता है, और खोने के बाद फिर वो विजातीय शरीर के लिए वो आकर्षित और उद्वेलित हो जाता है। तो आप अपने मन को हमेशा एकांत से बचाओ। एकांत में आपकी क्रिया प्रक्रिया जो पशु के तुल्य हो जाती है, इसलिए एकांत से मिलने वाले प्रलोभन के बीच में अपने आप को अडिग रखना बहुत बड़ी बात है। एकांत से मिलने वाले विजातीय शरीर के प्रलोभन से अपने मन को दूर रखना अत्यंत कठिन काम है। अन्य अनेक प्रकार के प्रलोभन आपको मिल सकते हैं, पर फिर भी जो ध्यान रखना, एकांत में अपने आप को बचाना मतलब लोहे के चने के बराबर है, ये निश्चित रूप से मानना। इसलिए हमेशा अगर एकांत बनाना भी हो और एकांत में रहना भी हो, तो ध्यान रखना प्रभु और गुरु के सन्निधि को बनाकर रखना। उस एकांत में हम अपने आप को जाने, हम दूसरों को ना जाने। क्योंकि ध्यान रखना, आज जितनी बहनें ये जितने भाई क्या करते हैं, मोबाइल पे कब लगते हैं? रात होती है, एकांत मिलता है, और एकांत में ही उनका वो जो व्हाट्सएप पे चालू होता है, वो जो मैसेज है वो चालू होते हैं, और जो इंटरनेट है वो चालू होता है, उस इंटरनेट के माध्यम से वो मिलते हैं। इसलिए एकांत से दूर हो, क्योंकि पाप करने में आपको डर लगता है सबके सामने, आप सबके सामने पाप नहीं कर सकते हो, तो वो होता कहाँ पर है पाप? एकांत में। तो आप एकांत में ना रहो, एकांत ही पाप को कराने वाला है, एकांत ही पाप को बढ़ाने वाला है, एकांत ही पाप को उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाला है। तो हम जितना एकांत से बचेंगे और जितने लोगों के बीच में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम वासना से बच सकते हैं, हम वासना से दूर हटते चले जा सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है। दूसरा, अंधकार से बचो। दूसरा, अंधकार से बचो।
अंधकार से क्यों? क्योंकि चोर भी जब चोरी करने के लिए क्या करता है, अंधकार ही उसके अनुकूल होता है। उसी प्रकार जो वासना करने के लिए कामी जो है वह अंधकार उसके बहुत अनुकूल होता है। प्रकाश की उपस्थिति होने पर वो जो है किसी प्रकार से वो इस प्रकार की कीड़ा या उत्तेजक नहीं पर पाता है और अंधकार वासना को क्या करता है। पर ध्यान रखना, उस पाप के आचरण में वेजित व्यक्ति कब करता है, वह अंधकार भी दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। एक होता है नैसर्गिक अंधकार और एक होता है कृत्रिम अंधकार। नैसर्गिक मतलब रात का अंधकार, घने जंगल का अंधकार, गुफा का अंधकार, और एक होता है कौन सा, या बादल छाने का अंधकार, वातावरण का भी जिसे हो जाता है अंधकार, ये सब अंधकार है, ये कृत्रिम अंधकार। और एक होता है नैसर्गिक अंधकार। नैसर्गिक कैसा? वो डिस्को डांस वो जहाँ चलता है उसमें जो होता है, या सिनेमा घर का अंधकार, ये जो सिनेमा घर का अंधकार है, या वो जो क्लबों का अंधकार है, या जो आपने कृत्रिम कमरे में अंधकार करा, दीवान खाने में जो अंधकार किया, शयन गृह में जो अंधकार किया, ये अंधकार भी आपकी वासना को जगाने वाला होगा। वासना की अधीनता से अगर बचना चाहते हो तो नैसर्गिक अंधकार से सजग रहना तो ठीक, लेकिन कृत्रिम अंधकार से आप बचने का प्रयास करो। कृत्रिम अंधकार को अधिकतर वासना को बढ़ाने वाला, बहकाने वाला और अंदर नीचे उतारने वाला होता है, निश्चित मान के चलना। तो आप अपने जीवन से अंधकार से भी दूर रहो और प्रकाश के उजाले में आप जितना रहोगे उतना आप अपने आप को बचा के रहोगे। बताओ, जितने पाप होते हैं वो काली रात और अंधियारी रात में होते हैं ना, होते हैं ना। मन जितना खराब होता है वह एकांत में खराब होता है, ये अपना चिंतन दे रहा हूं मैं, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। जितना ज्यादा पाप होता है वो एकांत में होता है और जितना ज्यादा पाप होता है वो अंधकार में होता है। आप एकांत से बचो, आप अंधकार से बचो। एकांत और अंधकार आपके जीवन में आएंगे तो आपके जीवन को नीचे की ओर ले जाते चले जाएंगे, निश्चित ही मान के चलना। तीसरा बोल रहा हूं और अगर आगे बढ़ना हो, अति परिचय से बचो। कैसे बचना है? अति परिचय से बचो। कहा जाता है एक बार की भूल को भूल कहा जाता है, दूसरी बार की भूल को अपराध कहा जाता है, लेकिन तीसरी बार की भूल को ना भूल कहा जाता है ना अपराध कहा जाता है, उसको अच्छा इसी व्यसन कहते हैं। वो क्या है? वो व्यसन हो गया। पहली बार की गलती को क्या कह रहे हैं? भूल कह रहे हैं। दूसरी बार की गलती को अपराध कह रहे हैं, लेकिन वही गलती बार बार हो रही है, वो भूल नहीं है, वो अपराध नहीं है। अपराध और भूल से बड़का हो गया, वो व्यसन हो गया है आपका। वो क्या हो गया है? वो व्यसन हो गया है। अपराध नहीं बचा है, भूल नहीं बची है, आप लत बन गई है, आपकी आदत बन गई है, आपके जीवन का व्यसन हो चुका है। आपको उस व्यसन से अगर बचना है तो हमें दूर हटना है। पहली बार धूम्रपान करना अथवा मदिरा पान करना और शरीर में का मन का क्या गुलाम बन जाना, ये निश्चित रूप से मान के चलना। आप क्या कर रहे हो? अब मान लीजिए, मान लो बार 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 धूम्रपान करोगे, मदिरा पान करोगे, तो वो क्या हो गया? वो तो एक प्रकार का व्यसन हो गया ना। तो विजाति जो है उसका प्रथम परिचय, प्रथम दर्शन क्या करता है? शरीर को अंदर से परिणामों को खराब करता है। परंतु बार बार, अब एक बार हुआ लेकिन उसी को आप बार बार करते जा रहे हो, बार बार मन में चिंतन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो होगा क्या? सरल सहज है, अगर आप बार बार रखते हो। एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए गैस है आपके यहाँ या चूल्हा है आपके यहाँ, अब चूल्हे पर चाय आपने गर्म की, तो गर्म जो होती है चाय, बटन दबाते ही चालू गर्म नहीं होती चाय। चाय कब होगी? धीरे 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 उबलेगी, है ना। या मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हो और प्रेस के लिए आपने बटन दबाया और वो क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हो आप? प्रेस ही बोलते हो ना। अब प्रेस एकदम गर्म नहीं होती है, ध्यान रखना धीरे धीरे गर्म होगी। और इसी प्रकार ध्यान रखना, आप अगर हो और अगर आप धीरे धीरे कर रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना परिचय आप बढ़ाते जाओगे, उस परिचय के कारण ही रोज परिचय बढ़ता चला जाता है, तो परिचय बढ़ता चला जाता है तो फिर एकांत भी मिलता चला जाता है, परिचय से फिर अंधकार भी अपने आप आता चला जाता है, और फिर वो एकांत और अगर मान लीजिए अंधकार मिल जाता है तो परिचय गलत करा देता है। इसलिए अति परिचय से हमें बचना चाहिए। अति परिचय क्यों और विपरीत पर्याय से परिचय क्यों? आखिर क्या दिलाने वाला है? आखिर एक पुरुष को महिलाओं से या बहनों से संपर्क रखे क्या चाहता है वो?
क्या करना चाहता है। और अगर एक माता बहन है वो पर पुरुष का नंबर क्यों रख रही है अपने मोबाइल में, क्यों बात कर रही है वो। अगर बात कर रही है चाहे कुछ भी हो जाए, अब भले ही बहुत अच्छे परिणामों से बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत आने जाने के बाद वहीं जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच कह रहा हूं, मैंने स्वयं ने देखा है। जिन जो लोग व्रत ले रहे थे, व्रत के लिए आगे बढ़ रहे थे, यहीं आपके बीच में एक आया था अभी हाल 15 दिन पहले, एक भाई बहन दोनों आए थे, दोनों व्रत की भावना थे, दोनों एक गांव के थे, जुड़े हुए थे, लेकिन क्या हुआ, दोनों का विवाह हो गया। तो आप ध्यान रखना, भाई बहन से बात प्रारंभ होती है, इस कम से कम इतना कमिटमेंट तो कर दें कि हाँ हम अपने अनुकूल जो गुरु और जो प्रभु जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग के अनुकूल ही अपना विवाह करेंगे। संबंध अगर आपका है तो बहुत अच्छा संबंध हो तो आके हमें बताओ कहाँ कैसा किस प्रकार का संबंध, हम भी तो समझे वो योग्य है कि अयोग्य, आप गलती कर रहे हो कि आप समझदारी वाला काम कर रहे हो। अगर गुरु से कुछ छिपाया और प्रभु से कुछ छिपाया तो ध्यान रखना, कहते हैं गुरु से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए आपको लगता है कहीं आप अटक रहे हो, कहीं आप भटक रहे हो, उस भटकन को और अटकन को आप पहले समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। गलती सबसे होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन गलती के बाद भी लेकिन आप बताओगे तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि ये जो चारित्र है, वैसे चारित्र की अलग अलग व्याख्या है, पर मुख्य व्याख्या क्या है, अपने अंतःकरण की अदालत में मानव निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में मानव विश्वास पात्र साबित हो। फिर से बोलूं, अपने अंतःकरण की अदालत में मानव निर्दोष साबित हो और जगत की अदालत में वो विश्वास पात्र साबित हो, तो ये मान के चलना वो चारित्र का पालन कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। और एक बात निश्चित मान के चलना, बल्कि जगत प्रशंसा करता है, बल्कि जगत प्रशंसा करता है और श्रीमान से जिसके पास पैसा है जगत उससे ईर्ष्या करता है, और सफल जो व्यक्ति बढ़ गया उससे जगत स्पर्धा करता है कि मैं भी इसका जैसा बन जाऊं। लेकिन ध्यान रखना, विश्वास तो जगत चारित्र वाले पर ही करता है। अगर आप चारित्र वाले बन गए तो निश्चित मान के चलना आपने अपने जीवन को बहुत उत्कृष्ट और महान बना लिया। प्रलोभन तो थे, प्रलोभन तो हैं, और प्रलोभन तो आपको जगह जगह समय समय पर हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन उन सब में भी अपने आप को बचाते रखना, क्योंकि दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूँ वो मेरी इज्जत है, दूसरों की दृष्टि में जो हूँ वो मेरी इज्जत है, जबकि मेरी दृष्टि में जो हूँ वो मेरा चारित्र है। आप अपनी दृष्टि में क्या है ये विचार कर लेना, आपकी दृष्टि में आपकी क्या वास्तविकता है, आप कहाँ गलत जा रहे हैं, अपने आप को परखना, अपने आप को देखना, और कहीं कोई अपवित्रता आपके जीवन में आ रही है उस अपवित्रता को निकाल देना और अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना लेना। मैंने आपसे जो चारों पांचों बात बताई है उसको ध्यान रखना, एकांत से बचना, अंधकार से बचना और अति परिचय से बचना और अलंकार से बचना, सजने सबने से आप बचते चले जाना, तो निश्चित आपका वो ब्रह्मचर्य सुरक्षित हो जाएगा, सुरक्षित रख सकते हैं। वो एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय से संबंधित है, शुरू से आया है था, आखिरी तक वो हमारे साथ रहेगा। जब तक मोक्ष नहीं तब तक वो स्पर्श इंद्रिय है, और वो स्पर्श इंद्रिय ही जो है ब्रह्मचर्य को खराब करती, वही मुख है और पूरे शरीर में विद्यमान है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने मन को पवित्र रखना है, तो वो माँ जिनवाणी से जुड़ना, गुरुओं की सन्निधि प्राप्त करना, और कुछ गलती हो गई है उसको स्वीकार कर लेना, बता देना, और आगे नहीं करने का आप प्रायश्चित ले लेना। बहुत सारे लोग अपने जीवन को पवित्र करते चले जा रहे हैं। पहले भी एक प्रवचन चारित्र के ऊपर मैंने दिया था, उस चारित्र मैंने चार प्रश्न पूछे थे, हमारी दृष्टि अधिक प्रधानता किसकी है, इज्जत की या चारित्र की, प्रश्न पूछ रहा हूं। दमो वालों बोलो, हमारी दृष्टि में क्या प्रधानता किसकी है, इज्जत की कि चारित्र की, इज्जत की हमारी, हम किस विषय में सावधान है, इज्जत को बचाने के विषय में या चारित्र को संभालने के विषय में, चारित्र को संभालने के विषय में। हमारा हृदय कब अधिक द्रवित होता है, इज्जत के धज्जियां उड़े तब या चरित्र पर कलंक लगे तब, या हम अधिक आनंद में कब आते हैं, इज्जत सुरक्षित रहे तब या इज्जत चारित्र सुरक्षित रहे तब। तो ध्यान रखना, ये चारित्र जो है वो क्या है, ये चारित्र आपका एक्सरे है,
हैं, और ये इज्जत जो है ये बाहरी फोटो है, आप निश्चित मान के चलना। ये वस्त्र को नंबर एक पर, अलंकार को नंबर दो पर, ये शरीर का गौरव है, तो चारित्र को नंबर एक पर और इज्जत को नंबर दो पर रखना। इज्जत से कोई मतलब नहीं है, चारित्र से मतलब है, इसलिए अपने चारित्र को बचा के रखना। आपका चारित्र निर्मल होगा, पवित्र होगा, पावन होगा, तो निश्चित मान के चलना। हम बार बार कह रहे हैं, आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगे, कभी दुखी नहीं होगे, कभी कष्ट पीड़ा का अनुभव नहीं करोगे, ये निश्चित रूप से मान के चलना। देव लोग, गुरुदेव की बात बोल रहा हूं, गुरुदेव ने हजारों बार गुरुदेव के मुख सुना, जिसका ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट होता है उसके आगे पीछे देवलोक आते हैं। वो असंयमी भी क्यों ना हो, उस असंयमी की सेवा करने भी देवलोक आएंगे, लेकिन कब? जब आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा तब, नहीं तो ध्यान रखना कभी तीन काल में भी आपके आगे पीछे वो घूमेंगे नहीं, तो असंयमी की सेवा करने के लिए भी और ब्रह्मचर्य के लिए वो आ जाएंगे। आप सब उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को पालो, यही मेरी भावना है। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपने दो मिनट में बात को विराम कर दूंगा। आचार्य भगवान क्या इस बात को लेकर बोलते हैं, एक बार एक बहुत बड़े साधु सन 1974 में सोनी जी की नशिया में कुछ गुरुदेव के दर्शन पहुंचे और उन्होंने एक ही बात बोली। अन्य मतावलंबी के साधु थे, उन्होंने दिगंबर रूप का दर्शन किया और बोले, मैं सब जगह गया हूं लेकिन आपसे ये शंका पूछने आया, और हो सकता है, मुझे लगता है आप मेरी शंका का समाधान कर देंगे, और आप ये बताइए कि अपनी कामेंद्री को मैं कैसे जीतूं और कैसे सफल हूं, कोई ऐसा सरल और सहज रास्ता बता दें ताकि मैं भी आपके जैसा इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लूं। तो आचार्य श्री ने कहा, हठ योग से इंद्रियां कब्जे में नहीं आती है, जो आप हठ योग कर रहे हो। फिर क्या करूं भगवान, आप ही बताओ। बोले, सबसे पहली बात तो है, अगर इंद्रियों को अगर जीतना है तो बस इंद्रियों के लिए अगर जीतना है तो उसके लिए बस दो इंद्रियों को जीत लो, एक है रसना इंद्री, एक है रसना इंद्री और दूसरा है मन। अगर रसना को जीत लिया आपने, खाने पे कंट्रोल कर लिया आपने, यदवा तदवा नहीं खाया आपने, गरिष्ठ भोजन नहीं खाया आपने, तेल मिर्च अधिक नहीं खाया आपने, तो आपके रसना इंद्रिय कब्जे में रहेगी, और जहाँ आपने इधर उधर का खाया तो निश्चित रूप से आपके रसना आपके कब्जे में, आपकी कामेंद्रिय आपके कब्जे में नहीं होगी। तो इस रसना को आप अगर संयमित कर लोगे तो आप वासना से भी बच सकते हो। सभी वासना से बसे इसी भावना से बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।